यही सही मौका है। अनीता और सुरजीते घर पर नहीं है, इनके आने से पहले मैं अपना काम कर लूं। लगता है अनीता आंटी और ताऊजी अभी घर पे नहीं है। बिल्कुल सही मौका है उनके कमरे की तलाशी लेने का। शायद कुंज से रिलेटेड कोई सबूत मेरे हाथ लग जाए। ट्विंकल, पेपे आप? हाँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? कोई काम था? वो मैं अनीता आंटी से यहाँ कुछ बात करने आई थी, लेकिन शायद अनीता आंटी नहीं है यहाँ पे। हाँ मुझे मालूम है, वो दोनों बाहर गए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आज काम खत्म करना है, चलो। चाहते क्या हो तुम लोग? गोली मार भेजे में हिज शोर करता है, हिज की सुनेगा तो मरेगा। कल्लू कल्लू मामा, तू करेगा तो दूसरा भरेगा, समझा? जानी, इसे पिस्टल बोलते हैं। अगर चल जाती है ना तो जान निकल जाती है। चलनी होती ना तो अब तक चल चुकी होती। अगर तू मुझे मारना चाहता ना तो अब तक मार चुका होता। चल अब ये बता कि अब तक मुझे जिंदा किसके कहने पर रखा है? कौन है इसके पीछे, बोल। ज्यादा डायलॉग मत मार, समझा? वरना मार दूंगा। कब से बक 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 करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर, वरना सच में मार दूंगा। तो मार रहा दम है तो चलाना गोली। तुझे रोका किसने? एक बात याद रखना, आज मैं यहां से बच गया तो तू नहीं बचेगा। बचेगा तो तब ना जब तू यहां से निकल के जाएगा। इधर से तो मैं निकल के रहूंगा, वो भी जिंदा। पर हां, तेरी गारंटी मैं नहीं लेता। बेबे ऐसे छुपकर किससे बात कर रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बेबे मुझसे कुछ छुपा रही है? कहीं कुंज के गायब होने के पीछे बेबे का हाथ तो नहीं है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। We'll be right back.
दुबे के फोन में किसका मैसेज है? डील, पैसे, रात को कैंट एरिया के पास मिलना नहर पे। बाबा जी, ये क्या हो रहा है? कुंज के किडनैपिंग के पीछे बेबे का हाथ तो नहीं है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। बेबे, तुम कौन हो? कुंज का बोल, कहाँ छुपाए मेरे कुंज को? बोल, बोल। वादा पूरा किता, मेरा कुंज किधर है? किधर है मेरा कुंज? कुंज भी मिल जाएगा। पहले ये बताओ, इस लड़की को हमारी डील के बारे में कैसे पता चला? इसे किसने बताया कि हम यहाँ मिलने वाले? मैंने नहीं पता, जो भी तुम लोग कहते रहे मैं करती रही। यहाँ तक कि तुम लोग का फिरौती वाला फोन भी मैंने घर वालों को नहीं बताया, सब कुछ छुपा के रखा। कुंज को बचाने के लिए मैंने मेरी नू का क्या हाल कर दिया? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा कुंज चाहिए। अभी अभी इसी वक्त। काय कुंज? कुंज मिल जाएगा, पर पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हारी बहू को हम साथ में लेके जाएंगे। मतलब? क्योंकि इसने हमारी शक्ल देख ली है। अगर इसने पुलिस को खबर दे दी तो इसलिए मुझे अपनी सेफ आईडी लेके चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। खबरदार, अगर किसी ने कुड़ी को हाथ लगाया। बैठो जल्दी। देखिए भाई साहब, मैं समझ सकती हूँ कि अनीता आपकी बीवी है और उसके साथ आपका सहमत होना लाजमी भी है, लेकिन आप नहीं जानते, अनीता हमेशा से मेरी बेटी को लेकर गलत सोचती रही है। और जब भी उसने मेरी बेटी के खिलाफ उंगली उठाई है ना, वो अपने मुंह के बल गिरी है। ये ट्विंकल मेरी परवरिश है, मेरे संस्कार है उसमें। और हमारे घर में ना अपने फायदे के लिए अपनों का किडनैप नहीं किया जाता। अरे हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए या उनके साथ कुछ छल कपट करे। ऐ हमारा लेवल नहीं है। लीला जी, आप बातें बड़ी अच्छी करती है, पर ये जिंदगी ना बातों से नहीं पैसों से चलती है। जब ये कुंज और ट्विंकल के पास है नहीं, अरे मैंने तो ऐ लगता है कि वो कुंज और ट्विंकल ने मिलके ये प्लान बनाया होगा किडनैपिंग की हवा फैलाने की, ताकि बेबे से कुछ पैसे ऐंठ सके। बस बस कीजिए भाई साहब, कुंज मेरा गुरूर है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे कुंज के खिलाफ कोई ऐसी उंगली उठाए। एक तो वो किडनैप हो चुका है और उस पर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में। सिर्फ कुंज ही नहीं, ट्विंकल भी किडनैप हुई है। वजह से हुआ।
कोई है? ट्विंकल, स्लो होती जा रही है, अगर इसको जल्दी होश नहीं आया तो। कोई है? कोई है? ट्विंकल, ट्विंकल उठ, प्लीज उठ, ट्विंकल, ट्विंकल उठ, ट्विंकल, 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 ये तो नीले पड़े हैं, इसका पल्स ड्रॉपर है, ट्विंकल प्लीज होश में आ, ट्विंकल, ट्विंकल, ट्विंकल उठ, प्लीज, ट्विंकल, ट्विंकल, आ ट्विंकल Twinkle, please, hush me. उन्हें कहीं नहीं देखा है। मैंने भी सब जगह ढूंढ लिया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला, कुछ नहीं। बस अब मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकती। मैंने कैसे भी करके कुंज और ट्विंकल को ढूंढ के लाना ही होगा। बस कुंज ट्विंकल, कुंज, पुत्र, कुंज, कुंज बेटा, कुंज। परेशान थे, कुछ ट्विंकल मैंने माफ कर दे। नहीं बेबे, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गई। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो आपको ठीक लगा, पर आपको तो ब्लैकमेल किया जा रहा था। और क्या हुआ अगर मैं मुसीबत में फंस गई तो? एटलीस्ट मैं और कुंज हम दोनों साथ तो थे ना। और आप मुझसे बड़े हैं, बड़े थोड़ी छोटे से माफी मांगते हैं। जिंदी रहे।
कुछ पुत्र तो ठीक है ना पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और आपकी ट्विंकल भी बिल्कुल ठीक है। चल अच्छा बेटा चल। पुत्र तेनु किडनैप किसने किया था और कहाँ रखा गया था तेनु? तू मैंने उसका नाम दस, उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे दामाद को किडनैप करने की? बता पुत्र कौन है वो किडनैपर? कैसे बताऊं सबको कि कुंज को किडनैप करने वाले खुद कुंज के बड़े भाई हैं, आनंद भैया। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने ये बात परिवार वालों को बताई तो सबको बहुत ठेस लगेगी, लेकिन अगर आज मैं चुप रह गई तो मैं भी आनंद भैया के गुनाह में शामिल हो जाऊंगी। झूठ बोलना गलत होता है, लेकिन उससे भी गलत होता है सच को छुपाना। हाँ आनंद भैया मेरे जेठ हैं, लेकिन उन्होंने गलती तो की है और मैं गलत बात का सपोर्ट नहीं कर सकती। बता पुत्र। माँ मुझे नहीं पता, कुछ गुंडे थे पर इसके पीछे किसका हाथ था वो? लेकिन पुत्र तूने कोई सुराग तो देखा होगा, कुछ तो याद होगा। बाबा जी रिश्तों के जिस भंवर में मैं आज फंसी हूँ, मुझे डर है कि कहीं उससे निकलने की कोशिश में कई और रिश्ते ना तबाह हो जाए, लेकिन इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई का रास्ता। मुश्किल है लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं और माँ भी। याद कर बता मैंनु कौन है वो? माँ कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कोई क्यों ऐसे करेगा पर कुंज की किडनैपिंग आनंद भैया ने करवाई थी। ये क्या बात कर रही है तू? अरे दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, जो जी में आए बोले जा रही है। पहले ही मेरे कुंज की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है और अब मेरे आनंद के पीछे पड़ी है। मम्मी जी मेरा विश्वास कीजिए, आनंद भैया ने ही कुंज की किडनैपिंग कराई थी। मैं जानती हूँ कि ये सच कड़वा है, लेकिन यही सच है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था कि मॉडर्नाइज बहुओं को ना घर में ब्याह के लाने का एक यही नुकसान होता है। हैरान हूँ मैं कि एक भाई दूसरे भाई को पैसों की खातिर। तूने अपने भाई का भरोसा तोड़ा, अपने बेबे का यकीन तोड़ा, इतना बेगैरत हो गया है तू? अपनी बेबी को ब्लैकमेल कितना तूने? मैं नहीं मानता, आनंद भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते, जरूर कोई और बात। आनंद भैया प्लीज बताइए सबको कि आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है। बोलो आनंद बोलो। ये सब सच है। मैंने ही कुंज का किडनैप करवाया। भैया मुझे माफ कर दे, लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। थोड़े थोड़े पैसों के लिए ताऊ जी के सामने हाथ फैलाना, उनकी दस दस बातें सुनना, मैं इरिटेट हो गया था। मुझे भी पैसों की जरूरत थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं तुझे किडनैप करके बेबे से पैसे ले लूंगा। मैं नहीं मान सकता आनंद भैया किडनैप, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बड़ा भाई मुझे क्यों किडनैप करेगा यार? कुंजा नो तुम बहुत अपसेट हो, बहुत चोट पहुंची है तुम्हें जान के कि तुम्हारे अपने बड़े भाई ने तुम्हें किडनैप करा है, लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो,
हम कल सुबह होते ही आनंद भैया को वापस घर ले आएंगे। वैसे अब सेट तो मुझे होना चाहिए तुमसे। जिस तरीके से तुमने मुझे होश में लाया ना, जब भी मैं सोच रही हूँ मेरा मन करे मैं तुम्हें बेहोश कर दूँ। तेरा कभी भी नया चैनल शुरू हो जाता है ना। मुझे होश में लाने के लिए तुमने मुझे किस क्यों किया? तुम्हें मुझे किस करने की क्या जरूरत थी? कोई और तरीका भी तो ढूंढ सकते थे ना। अभी तुम मुझे साइलेंट फिल्म्स के हीरो की तरह इंटेंस लुक क्यों दे रहे हो? कुंज, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। देख, सब तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं। ये दिन तू वहां कैद था, पता नहीं कुछ खाने को मिला भी या नहीं। चल अपनी माँ के हाथ का खाना खा ले। थैंक यू माँ, मैं खा लूंगा। ट्विंकल का खाना कहाँ है? ट्विंकल का खाना है ना किचन में। ट्विंकल जाओ तुम खाना खा लो। वैसे ट्विंकल, तुम्हें इस मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हारी वजह से कुंज और बेबे को कुछ हो जाता तो माना कि आनंद ने ये सब कुछ किया, लेकिन अगर उसके गुंडे कुंज को कुछ तकलीफ पहुंचाते तो? मैं आपको ट्विंकल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसने जो किया मुझे बचाने के लिए किया। तू उसकी साइड लेना बंद कर। आज उसी की वजह से मेरा बेटा आनंद जेल में है। नहीं मां, आनंद भैया अपनी गलती की वजह से जेल में। ऐसे में ट्विंकल को ब्लेम करना तो सही नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, आनंद भैया ने जरूर किसी मजबूरी के चलते ये कदम उठाया, और वो वजह जो भी उसका पता मैं लगा कर रहूंगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मां मैं जानता हूं आप आनंद भैया के बारे में सोच रही हैं। लेकिन मां आप ही नहीं सिखाया ना, कुछ भी हो जाए खाने से कभी नाराजगी नहीं करती, तो जो भी हुआ उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और खाना खाइए। दीजिए। मैं आनंद की वजह से ये नहीं कर रही हूं, सच में मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी जो अपने छोटे भाई का किडनैपिंग करवा सकता है, ऐसे बेटे के बारे में सोचकर तो मैं अपना वक्त जाया कर रही हूं। मेरी तरफ देख मां, मैं जानता हूं आनंद भैया की हरकत से आपको बहुत चोट पहुंची, लेकिन मैं ये भी जानता हूं माँ का प्यार अपने बेटे के लिए कभी कम नहीं हो सकता। कुंज, तू किस मिट्टी का बना है रे? काश हर घर में तुझ जैसा बेटा होता। तू नहीं जानता मुझे तुझ पर कितना गर्व है। लेकिन आनंद, उसने आज मेरी परवरिश को शर्मिंदा किया है। उसने इतना भी नहीं सोचा कि उसकी इस घटिया हरकत की वजह से हम पर क्या बीतेगी। डोंट वरी मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए, अब सब ठीक हो जाएगा। आनंद भैया, माँ आइए। अब आप आ गए हैं ना, तो शायद माँ कुछ खा ले। कल से कुछ नहीं खाया इन्होंने। पता नहीं आपने भी खाया कि नहीं भैया। आप यहाँ आइए, पहले आप दोनों बैठिए और कुछ खा लीजिए प्लीज। कुछ मैं ये कहना चाहता था कि आनंद भैया कुछ कहने की जरूरत नहीं। जैसा ट्विंकल ने कहा, इस बात को ना एक भूरा सपना समझ के भूल जाना चाहिए। नहीं माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं आनंद भैया को?
मां। देख लिया उषा रानी, जिस कुड़ी को तू हमेशा डांटती रही, हमेशा इसमें खामियां ढूंढती रही, कभी भी इसे नू मानने के लिए तैयार नहीं थी, आज इसी कुड़ी ने तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। सुन, दो वर्ड कहने थे तुझे। वेट वेट, लेट मी गेस, स्यापा क्वीन, राइट? लेकिन मैंने अब कौन सा नया स्यापा किया? वही तो। सरप्राइजिंगली तूने कुछ सही कर दिया, और तेरे सरप्राइज की वजह से मेरा अभी तक सर घूम रहा है। क्या कि तूने ये सरप्राइज मुझे दिया कैसे? पर ऑनेस्टली, आनंद भैया को जेल से निकाल के तूने शॉक दे दिया मुझे, एंड फॉर अ चेंज अच्छा वाला शॉक, है ना? इसलिए जो दो वर्ड्स कहने तुझे वो हैं, थैंक यू। लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल अच्छा वाला शॉक नहीं दिया। तुम्हारी कल की हरकत की वजह से मैं अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई, और हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। कौन सी बात? वही कल वाली बात। देख मंगल, मैं एक सिंपल सा, डिसेंट सा, कमाल सा, माइंड ब्लोइंग सा, मतलब ज्यादा और की फर्क, एक्स्ट्रा गुड लुकिंग इंडियन मैन, कोई माइंड रीडर तो हूं नहीं जो तेरे माइंड की सारी उल्टी पुल्टी बातें समझ जाऊं। साफ साफ बताना तो बता, वरना मैं चलता। वही बात जो हम कल रात को इस खड़ू चन्ना को सब कुछ पता है, लेकिन सिर्फ मुझे एम्बैरेस करने की बन रहा है। कौन सुनो, कौन? मेरी माँ। मुझे नहीं पता तू किस। के बारे में बात कर रही है? वही किस जो तुमने मुझे कल किया, और जिस बारे में हम कल रात को बात कर रहे थे। क्यों किया तुमने मुझे किस? होश में लाने के लिए? और कोई तरीका नहीं मिला तुम्हें? मैं तुझे जवाब दे चुका, और तुम्हारा वो स्टूपिड जवाब मुझे मंजूर नहीं है। तुझे मंजूर नहीं, चल ठीक है, तेरे लिए नया जवाब। मन था मेरा तो कर दिया किस। व्हाट मिस्टर कुंसन, तुम्हें इतना तो पता होगा कि किसी लड़की को किस करने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसी नहीं, वो उठाया और किस कर दिया। कुंज, ट्विंकल, तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ओपन द डोर। सजना बोलो दोस्त। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? तुझे पता है ना मैं कब से लॉक कर रहा था? हाँ, तब से बाहर खड़ा हूँ मैं। तुम लोग जाते नहीं तो मैं अंदर रहूँ। हाँ, come on you, और गुस्सा दिखो। मैं जानती हूँ कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्से में तुम अपना भांडा खुद फोड़ दोगे। दोस्त तुझे पता है मैं कितना डर गया था? दोस्त तू मुझे प्रॉमिस कर तू कभी ऐसे नहीं करेगा मेरे साथ। कुंज, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, यूवी को 24 घंटे अपना दोस्त अपने साथ चाहिए। तो फिर क्यों उसे परेशान करते हो? क्यों अंदर नहीं आने देते? दरवाजा मैंने बंद किया था और कुंज को मैंने ही मना किया था दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन क्यों ट्विंकल? क्योंकि बेबे, कब तक यूवी हमारे साथ ही हमारे बेडरूम में सोएगा? हमें भी तो अपनी प्राइवेसी चाहिए ना। तो सही कह रही। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।